यहाँ पर मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ से हम लोग सीधा प्रसारण है हमारा। समता सैनिक दल के सैनिक यहाँ पर मौजूद है। इस परिसर में विगत 3 दिन पहले जो PIL दाखिल की गई धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के को लेकर, वो विषय को जो PIL के इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारा एक्सेप्ट हुआ है, उसके सम्माननीय हमारी वकील अधिवक्ता एडवोकेट स्मिता ताई कामले यहाँ पर मौजूद है। ऐसे विषय में ताई से हम बात कर रहे हैं। ताई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे उपलक्ष में? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। विषय बहुत ही गंभीर है और जो जनहित याचिका एक व्यक्ति के द्वारा फाइल की गई है मुंबई बेंच के नागपुर हाईकोर्ट में, वहाँ के जो आरोप है, जो मेंशन किया है, वो बहुत ही संगीन है। इसीलिए समता सैनिक दल आज फिर से गए 2 दिन से हाईकोर्ट में आ रहा है और समता सैनिक दल के माध्यम से हम लोगों ने उस पिटीशन में एक इंटरवेंशन की अर्जी भी फाइल की है और जल्द ही उस पर अभी सुनवाई होगी। तो साथियों, विषय ऐसा है, नागपुर स्थित, आपको पता है इस देश के, देश का जो इतिहास है वो क्या है, ब्राह्मण और बौद्ध के बीच का संघर्ष है, ये चलते आ रहा है। अभी हम संविधानिक युग में रहते हैं, फिर भी वर्ण व्यवस्था इनडायरेक्टली माध्यम से कैसे बरकरार करे, इसी का उदाहरण ये जनहित याचिका है जो डाली गई है, जिसका नाम है अविनाश विष्णुपंत काले, जो 72 इयर्स के हैं, खुद को एडवोकेट कहते हैं, एडवोकेट होके भी उन्होंने जो जनहित याचिका दायर की, पहले तो वो PIL हो ही नहीं सकती, जिसका नंबर 57 है और 10 अक्टूबर को उसकी सुनवाई हुई थी, वो PIL फाइल हुई थी, 13 को इशू नोटिस हुए। अविनाश विष्णु पंत काले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और पिटीशन नंबर 57, ऐसी वह पिटीशन है। तो साथियों, बताने का तात्पर्य ऐसा है, उस व्यक्ति का उस PIL में ऐसा कहना है कि देश भर से जो लाखों लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष में नागपुर में आते हैं, तो वो झुंडशाही के साथ आते हैं और वो गुंडागर्दी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इतिहास गवाह है, 67 ईयर्स हुए हैं इस धम्म क्रांति को, ऐतिहासिक धम्म क्रांति है, इस भारत भूमि को अगर विश्व सलाम करता है तो वो तथागत बुद्ध की वजह से, क्योंकि तथागत बुद्ध जैसा बेटा भारत ने पैदा ही नहीं किया, इसलिए दुनिया यहाँ आके यहाँ बुद्ध बसते हैं और उस तथागत बुद्ध की धम्म दीक्षा, मानव बनाने की धम्म दीक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों को दी, और वही दिन है विजयादशमी का धम्म चक्र प्रवर्तन। ऐसे समय में साल भर में केवल भारतवर्ष से ही नहीं तो दुनिया भर से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, अत्यंत शांति के साथ आते हैं और अभिवादन करके अपने अपने घर शांति से जाते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे है कि हमारी सेक्युलर कंट्री है, हर किसी इंसान को अपना अपने धर्म का पालन करना उसका स्वतंत्र है। तो ये जो जनहित याचिका दायर की है काले नाम के व्यक्ति ने, ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता से और धर्म में जो तेल निर्माण होना चाहिए, वाद निर्माण होना चाहिए, उसमें डिस्प्यूट निर्माण होना चाहिए, इसी मानसिकता से ये पिटीशन डाली गई है, क्योंकि आरोप बहुत संगीन है और हम लोगों को कोर्ट में वो आरोप सिद्ध करने पड़ेंगे कि किस मानसिकता से ये पिटीशन, जनहित याचिका इन्होंने दायर की है। ये अपमान है हमारे बौद्ध अनुयायियों का, अपमान है और हमारी जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इसीलिए समता सैनिक दल ने उच्च न्यायालय में धाव लेके, उच्च न्यायालय में समता सैनिक दल के माध्यम से हम लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की, जिसका पिटीशन नंबर भी आया है 21091, ऐसे हमारे इंटरवेंशन फाइलिंग का नंबर है। और माननीय कोर्ट को हम पूरी ताकत के साथ युक्तिवाद करेंगे, हमारे एडवोकेट अतीक सर और मेरा खुद पावर उसमें है और भी एडवोकेट्स के पावर उसमें है, तो समता सैनिक दल के माध्यम से यह पिटीशन लगेगी, इंटरवेंशन की अर्जी हमारे
हम कोर्ट को बताना चाहेंगे कि कैसे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन इसमें हुआ है अंडर आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से हम लोगों को स्वतंत्रता है और मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और वो जो काले के PIL है वो कैसी असंवैधानिक है, इसीलिए इस PIL को डिसमिस किया जाए। सिर्फ डिसमिस ही नहीं तो उसको एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगानी चाहिए, ऐसा हम माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करेंगे। साथियों, ये तो चलती आ रही लड़ाई है, जब जब हम क्रांति की शुरुआत होती है हम क्रांति करने आते हैं, मानवतावादी विचारधारा को हम आगे लेने की सोचते हैं, लेके जाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, जो कुत्सित मानसिकता वाले लोग हैं, जो द्वेषमूलक मानसिकता से ऐसी पिटीशन दायर करते हैं, वो बहुत ही अयोग्य है और ये लड़ाई चलती आएगी और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और हमारे जो अनुयायी हैं लाखों के तादाद, अभी कैसे संभ्रम थोड़ा सा हमारे बौद्ध अनुयायियों में है कि ट्रेन्स बंद हुई है, क्योंकि ये जो मैसेज है, ये जो इसने PIL फाइल की है, इसका मैसेज पूरी भारतवर्ष में चला गया है और ऐसा भी मैसेज कुछ मुझे फ़ोन कॉल्स आए अलग अलग राज्य से कि ट्रेन अभी बंद होने जा रहे करके, तो बिल्कुल ही ट्रेन बंद नहीं हुए हैं। आप लोग पूरे शिस्त के साथ डिसिप्लिन के साथ नागपुर में आइए, इस धर्मभूमि में आइए और अपने मार्गदाता बाबा साहब जी अम्बेडकर तथागत बुद्ध को अभिवादन करके आप अपने अपने घर जा सकते हैं। आप यहाँ पे आइए और ये जो पिटीशन है एक दो दिन में इसकी सुनवाई होगी और हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट के सामने जो उसकी मंशा है काले की वो बातें हम सामने लाएंगे और पूरी तरह से ये पिटीशन डिसमिस करके अपने लाखों बौद्ध अनुयायियों को न्याय देने का समता सैनिक दल के माध्यम से प्रयास करेंगे। थैंक यू। मैं सभी भारतीयों से यहाँ पर बताना चाहता हूँ को PIL जो दाखिल हुई है उसका कोई भी औचित्य नहीं है। आपसी सौहार्द जो है अपना भारतीय समाजों में वो बनाए रखे और ट्रेनें जो है नागपुर की और जो आने वाली सारी जो ट्रेनें हैं बिल्कुल खुली हैं, आप लोग बढ़िया आराम से आ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से आपसे विनती की जाती है कि कोई भी अफवाहें जो है जो आप तक पहुँच रही हैं वो निरर्थक हैं और उसको आप तवज्जो न देते हुए बिल्कुल आप आराम से इस नागभूमि में, इस दीक्षा भूमि में पहुँच सकते हैं। उसकी सारी जो जवाबदारी है समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि लेती है, ऐसी आपसे दरख्वास्त करता हूँ। यहाँ मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के परिसर में हम यहाँ पर आपको लाइव लेकर चल रहे थे। आगे भी जब ये पिटीशन की सुनवाई जब होगी, आज उसकी पिटीशन की सुनवाई थी लेकिन कुछ कारणवश शायद वो एक दो दिन में लगने के पूरे चांसेस है, तब तक आपको सारे जो भी अपडेट्स है इस बारे में, इस केस के बारे में आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से या विविध सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी, ऐसी आशा करके आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। टिकट के बस के किराए बढ़ाए जाते हैं, लोगों को कितनी असुविधाएं होती है, क्या वो अवसर नहीं है जब कोर्ट का रुख करना चाहिए? क्यों एक समाज के प्रति इस विषमता को फैलाया जा रहा है इस याचिका द्वारा? हम माननीय न्यायालय से यही अनुरोध करेंगे, हमारे मध्यस्थता अर्ज में हमने यही लिखा है कि हमारा पक्ष सुनकर इस याचिका को खारिज किया जाए और ऐसे जो मानसिकता है इसे विकृत मानसिकता कहेंगे जो समाज में विषमता फैलाती है, ऐसी याचिका खारिज करके उसको कॉस्ट के साथ खारिज करके आने वाले लोगों के लिए एक सबक रहे ताकि ऐसे विषय को लेकर कोई फिर कोर्ट का रुख ना करे। यहाँ पर हमारे सैनिक सम्माननीय राजेश दादा लांजेवार भी है जो एक सिपाही के रूप में समता सैनिक दल को आगे लेके बढ़ाने में बड़ा उनका हाथ है, तो ऐसे वक्त में मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि ये जो विषय है काफ़ी गंभीर और जटिल विषय है और जब जब धम्म चक्र प्रवर्तन दिन या अम्बेडकरी जो भी यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं ऐसे वक्त पे ही ये सारे जो लोग हैं जो सोए हुए जो लोग रहते हैं वो जाग जाते हैं और वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई माध्यम से अन्याय अत्याचार का सत्र उनका चलता है, तो ऐसे वक्त में मैं राजेश दादा लांजेवार जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या भूमिका ऐसे वक्त में समता सैनिक दल लेता है? आज जो ये विषय हुआ है ये
ये कोई इसके पीछे किसी बहुत बड़े राजनीतिक लोगों का इसमें हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। आज धम्म क्रांति जो हुई है, ये 67 तदुसत साल हो गए हैं जो नागपुर की क्रांति दीक्षा भूमि में आज लाखों अनुयायी विदेशों से देश विदेशों से आते हैं, और इनकी जो व्यवस्था है प्रशासन के माध्यम से हमेशा की तरह से, यानी लोगों की जो जिस तरीके से गैर सोई होती है, कि हम देखते हैं कि लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो प्रशासन का भी काम है उस पर ध्यान देना। और हम लोग समता सैनिक दल के माध्यम से हर साल पुलिस के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे जो लाखों अनुयायी आते हैं उनका बंदोबस्त में लगे रहते हैं। लेकिन ये जो याचिका जिसने दायर की है, ये कोई यानी मतलब मानसिक गुलाम दिखता है, मूर्ख व्यक्ति दिखता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैंने जो काम किया है ये बहुत बड़ा काम किया है। उस मूर्ख को ये नहीं समझता है कि लाखों अनुयायी के दिलों को आप दुखा रहे हो, ये आज की बात नहीं है। आज 67 साल हो गए इस बात को कि जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये धम्म दिया था इस क्रांति भूमि दीक्षा भूमि पे, आज 5 लाख अनुयायी उस समय उन्होंने दीक्षा दिया था। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि इतने लाखों लोग जब आते हैं तो ये थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है हर किसी को होगा। प्रशासन ने ये ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर कुछ तकलीफ है तो उन्होंने उस प्रशासन की इधर जाना चाहिए, वहाँ पे ये करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट वो उन्होंने यहाँ पे हाईकोर्ट में आके याचिका दायर की उन्होंने। मैं इससे सबसे पहले जिम्मेदार इस सरकार को करता हूँ, ये सरकार को मैं जिम्मेदार इसलिए ठहराऊँगा कि इनको 67 साल से ये सब इतिहास मालूम है कि किस तरीके से नागपुर में लाखों अनुयायी आते हैं, और उसके बावजूद भी ये इस तरीके से इनके मुझे मैं बोलने के लिए बिल्कुल भी झिझकूंगा नहीं कि ये सब कुछ किया हुआ इनका ही धराया हुआ है, ऐसा मैं कहूँगा। आज जो आज जिस तरीके की सरकार है वो ये सब करा रही है, मैं ऐसा बोलूँगा। मैं चाहूँगा इस न्यायालय की तरफ से ये मैं मांग करूँगा कि उन्होंने इसकी उचित इस पर कार्रवाई करना चाहिए, और इस हमको न्याय दिलाने में उन्होंने अपील किया। एक तरीके से इस भारत से जब कोई भारतीय बाहर जाता है तो वो बुद्धम शरणम गच्छामि बोलता है, और बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने के बाद में वो ये बोलता है कि हम बौद्ध राष्ट्र से आए हैं, बौद्ध धर्मीय लोग हैं हम, भारत एक बौद्ध राष्ट्र है, ऐसा झूठा वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और उसी भारत में जब अब लौटते हैं तो जो भी बौद्धिक जो बौद्ध स्थल है या परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं उसको सुविधा जानबूझ के मुहैया न कराना, इनकी कैसी गफलत हो ये हमेशा देखना, तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है कि ये दू टप्पी भूमिका जिसको बोलते हैं कि ये बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, यही दर्शाता है। तो ऐसे वक्त पे यहाँ पर हमारे राजू भाऊ झोड़ा पे भी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो विषय है काफ़ी जटिल है और उतना ही महत्वपूर्ण भी है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देना भी जानते हैं, और वो हमने 1818 की लड़ाई में, भीमा कोरेगांव की लड़ाई में हमने दिखा दिया है। तो क्या आप हमें फिर से उस चीज़ पे मजबूर करना चाहते हैं? अगर वो चीज़ अगर है तो हम हर तरीके से यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि ये जो जीवन है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, अगर उनके नाम से अगर हम कुर्बान अगर होते हैं तो हमारे से ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा, ऐसा हमें यहाँ पर महसूस होता है। हम यहाँ पर हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के परिसर से ही बात कर रहे हैं, सीधे प्रसारण में है, लाइव है। ऐसे वक्त में राजू भाऊ झोड़ापे जी अपना मत यहाँ पर व्यक्त करेंगे, ऐसे मैं उनसे आशा करता हूँ। सर्वान सभी जय भीम, ये जो कृत्य करत आहे काळे साहेब यांना अगोदर हे कळायला पाहिजे की 67 वर्षापासून आम्ही बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली तेव्हापासून आम्ही हा महोत्सव करत आहोत, आणि त्याकरता देशातून विदेशातून लोक येत असतात बाबासाहेबांचं दर्शन घ्यायसाठी, ह्या जमिनीला हे करण्यासाठी, हा स्पर्श करण्यासाठी आणि बाबासाहेबांना आठवण करण्याकरता येत असतात लोक। पण ह्या मूर्ख मानवाला समजलं नाही का? हा अशा प्रस्ती हे करणे, रिट पिटिशन टाकणे आणि लोकांच्या मनाला दुखवणे, स्पेशली म्हणजे जाणूनबुजून केलेला हा कृत्य आहे,
मी हे सांगतो समता सैनिकातर्फे एका सैनिकातर्फे त्या काळे साहेबांना सांगतो की वेळ आली काळे साहेब तर तुम्हालाही बघून घेऊ आम्ही आम्ही काही हात बांधलेले नाहीत आणि बांगड्या घातलेल्या नाहीत का आम्ही बुद्ध धम्माला मानतोय म्हणून आम्ही शांत बसलेलो आहोत आणि संविधानाच्या मार्गाने चालतोय जर वेळ आली तर ती वेळ दाखवून देऊ आम्ही तुम्हाला परंतु आम्हाला तुम्ही त्या मार्गाने जाण्याला प्रवृत्त करू नका तर वारंवार जर हेच होत असलं तर आम्हालाही कुठं उभं व्हावं लागेल आणि जे भीमा कोरेगावला गेलं ते पुन्हा आम्ही घडवू शकतो हे लक्षात असू द्या। या वेळेला या ठिकाणी आमचे सैनिक अरुण दादा भारशंख ये भी यहाँ पर मौजूद है जो सक्रिय है सैनिक की कार्रवाई में हमेशा अग्रगणी रहते हैं। ऐसे विषय में उनकी क्या भावनाएं है वो यहाँ पर व्यक्त करेंगे। सर्वान सप्रेन जय भीम या पिटिशन के माध्यम आधी तो मूर्ख माणसाचा का निषेध करतो आणि यामध्ये सर्वात जास्त मी सरकारला दोषी असं ठरवतो की एकीकडे 14 ऑक्टोबरला धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाची सुट्टी जाहीर करायची आणि सायंकाळी तिथला जर नजारा पाहिला तर पूर्ण लाईट बंद करून ठेवायची ही कुठली प्रशासनाची तयारी आहे। आमचा सैनिक येणाऱ्या प्रत्येक अनुयायाच्या मदतीकरता आणि त्यांची गैरसोय होऊ नये याकरता त्यांच्या पाठीमागे राहतो आणि येणारा जो प्रत्येक अनुयायी आहे तो गर्दी तर होणारच आणि मला एखादी असं एखादी उदाहरण दाखवावं की 67 वर्षामध्ये असं काय त्या दीक्षा म्हणून घडलं की हे त्यांना PL टाकावं लागली। एखादी उदाहरण जर मला दाखवत असेल तर मी त्यांना चॅलेंज करतो की ज्या पद्धतीने तुम्ही बॉलिंग टाकत आहात त्या पद्धतीने आम्ही बॅटिंग करू आणि समोर या समतासाठी कलेच्या माध्यमातून एक त्यांना सांगू इच्छितो चॅलेंज देतो की जर तुमच्यामध्ये जेवढा दम असेल तेवढा आम्ही दाखवून देऊ परंतु न्यायालयाला मी एवढीच विनंती करतो की ही जी PL टाकलेली आहे त्याच्यावरती कोणाचा हात आहे याचाही शोध घ्यावा आणि PL टाकणाऱ्या व्यक्तीला योग्य त्या पद्धतीने खारिज करून त्याचा नायनाट करा। संविधान निष्ठ लोग है हम लोग कायदे प्रेमी है संविधान को तंतोतंत उसका पालन हो ऐसे हम भारतीय हैं और इसी संविधान के तहत कायदे के अंतर्गत ही हम यहाँ पर यहाँ मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के परिसर में हम यहाँ पर यहाँ से लाइव है। कल ही हमने समता सैनिक दल के माध्यम से समता आरोग्य प्रतिष्ठान की ओर से पिटीशन में इंटरवेंशन का अप्लीकेशन हमने दाखिल किया जो कि उच्च माननीय उच्च न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया और उसकी जब भी सुनवाई होगी उसमें हम इंटरवेंशन के रूप में खड़े रहेंगे और माननीय उच्च न्यायालय को हम ये दरख्वास्त करेंगे कि ऐसी जो पिटीशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट न होते हुए पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको हम कहते हैं ऐसे PIL को यहाँ पर कोई भी तरीके से एक्सेप्ट ना करें जिससे माननीय उच्च न्यायालय का समय जो है व्यतीत हो रहा है बर्बाद हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सोचे ये हमारी समता सैनिक दल की ओर से मांग रहेगी। यहाँ पर प्रमुखता से इंटरवेंशन अप्लीकेशन जो